वीडियो 30 नवंबर देर शाम की है, जब दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में चूक हो गई। पदयात्रा के दौरान उन पर एक शख्स ने तरल पदार्थ फेंकने की कोशिश की। आपको बता दें कि दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में आज शाम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। पदयात्रा के दौरान उन पर एक अनजान शख्स ने हमला करने की कोशिश की। हालांकि वहां तैनात सुरक्षा टीम ने उसे तुरंत पकड़ लिया। व्यक्ति केजरीवाल पर कोई तरल पदार्थ फेंकने की कोशिश कर रहा था। इस हमले की कोशिश का वीडियो भी सामने आया है। हालांकि अभी दिल्ली के पूर्व सीएम सुरक्षित हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच चल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, और उसी भीड़ में अचानक से एक शख्स आता है और अरविंद केजरीवाल के ऊपर तरल पदार्थ जो कि एक ग्लास में है उसे उनके ऊपर फेंकता है। इस घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद आपके कार्यकर्ताओं ने उस युवक को बहुत पीटा। बाद में उस व्यक्ति को उनके सुरक्षा कर्मचारियों ने पकड़ लिया। हालांकि फिलहाल उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव के मद्देनजर आज ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा कर रहे थे। शाम के वक्त भीड़ के बीच से अचानक एक शख्स आया और उसने केजरीवाल पर तरल पदार्थ फेंकने की कोशिश की। अपने ऊपर हमला होते देख केजरीवाल तुरंत पीछे हट गए और खुद को बचा लिया। वहां मौजूद पुलिस और बाकी सुरक्षा टीम ने उसे पकड़ लिया। वीडियो में उसे वहां मौजूद लोग पीटते हुए भी दिख रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा नेता सभी राज्यों में रैलियां करते हैं, उन पर कभी हमला नहीं होता। अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमले हो रहे हैं। भाजपा ने नांगलोई में उन पर हमला किया, छतरपुर में उन पर हमला हुआ। दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और केंद्र सरकार और गृह मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बलियान ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अभी भी अरविंद केजरीवाल जी पर ग्रेटर कैलाश में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने तेजाब फेंकने की कोशिश की। सोचिए क्या हाल बना दिया है भाजपा ने दिल्ली का। एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष पर और पूर्व सीएम पर तेजाब फेंकने की कोशिश हुई।